नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरुषि फैशन में। आज हम आपको बोट नेक लपेटा ब्लाउज डिजाइन बनाना बताएंगे। अगर डिजाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह हमारा अस्तर का कपड़ा है, यह हमारा मेन कपड़ा है। यह हमने ब्लाउज की लंबाई 14 इंच ली है, तैयारी 13.5 इंच रखना है। स्टक अपर सिलाई में चला जाएगा। ब्लाउज की चौड़ाई 34 इंच है, चौथाई भाग हमने 8.5 इंच ले लिए हैं। आर्मोल की गोलाई 6.5 इंच है। शोल्डर हमने 7 इंच ले लिए हैं। अब हम गले का निशान लगाएंगे तो हम अस्तर पे ही लगा लेंगे। तो यहाँ हम 4.25 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ हम 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हमने इस तरीके से मिला लिए हैं। अब यहाँ से हम 8.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। यहाँ हम 4 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इसकी हम सीधी लकीर खींच लेंगे। अब इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे। ये हमने इस तरीके से निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ से हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे। ये हमने इस तरीके से निशान लगा लिए हैं। अब इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे। ये हमने इस तरीके से निशान मिला लिए हैं। अब इसमें हमें गले का शेप दे देना है। ये हमने इस तरीके से डिजाइन का शेप दे दिए हैं। अब इसके दूसरे साइड भी निशान लगा लेंगे। अब हम इस निशान को डार्क कर लेंगे। ये हमने इस तरीके से दोनों साइड निशान लगा लिए हैं। अब इसको हम सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारा मेन कपड़ा है सीधी साइड से, इसके ऊपर हम अस्तर रख लेंगे। अब हम पिन से अटैच कर लेंगे मेन कपड़े और अस्तर को। ये हमने पिन के हेल्प से मेन कपड़े और अस्तर को अटैच कर लिए हैं। अब इस निशान पे हमें सिलाई कर लेना है। ये हमने इस तरीके से निशान के ऊपर सिलाई कर लिए हैं। अब ये जो बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कटिंग कर लेंगे। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लिए हैं। अब गले के किनारे से हमें छोटे छोटे कट कर लेना है। ये हमने किनारे से छोटे छोटे कट कर लिए हैं। अब इसको पलट लेंगे पिन निकाल के। इस तरीके से पलटते हुए हमें इस नोक को निकाल लेना है। ये हमने इस तरीके से नोक निकाल लिए हैं। इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें बगल से कच्ची सिलाई कर लेनी है। ये हमने गले के ऊपर सिलाई करते हुए चारों साइड से सिलाई कर लिए हैं। अब हम प्लेट का निशान लगा लेंगे। तो इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे सबसे पहले। ये हमने फोल्ड कर लिए हैं। अब हम प्लेट का निशान लगाएंगे। तो प्लेट का निशान लगभग 4-4.5 इंच पे लगाएंगे। ये हमने प्लेट का निशान भी लगा लिए हैं। अब हमें सिलाई कर लेना है।
ये हमने इस तरीके से दोनों प्लेट डाल लिए हैं। अब नीचे से कपड़े को फोल्ड कर लेना इस तरीके से। ये हमने दोनों प्लेट डाल के नीचे कपड़े को फोल्ड कर लिए हैं। अब इस गले के किनारे पे हमें मोती वाली लैस सेट कर लेना है। तो ये हमने लैस ले ली है, अब इसे सेट कर लेंगे। तो इसको इस तरीके से रखते हुए हमें सेट कर लेना है। ये हमने इस तरीके से लैस सेट कर लिया है। ठीक इसी तरीके से हमें नीचे कमर पे भी लैस सेट कर लेना है। ये हमने इस तरीके से लैस सेट कर लिया है मोती वाले, गले में भी और कमर पे भी। अब सेंटर में हमें मिला लेना है इस तरीके से फोल्ड करके। अब यहाँ सेंटर में हम कट कर लेंगे। ये हमने इस तरीके से कट कर लिए हैं। अब इसको हम नाप लेंगे। 1.25 इंच की हमें कटिंग कर लेनी है रिबन। तो ये हमने कपड़े ले लिए हैं रिबन बनाने के लिए। इसकी लंबाई 17 इंच है, चौड़ाई 5 इंच है, 1.25 इंच हमें तैयार करना है डबल फोल्ड करके। तो इसको हम फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो ये हमने 1.25 इंच की पट्टी सिल ली है। अब इसको पलट के प्रेस कर लेंगे। ये हमने रिबन को पलट के प्रेस कर लिए हैं। अब इसको सेट कर लेंगे। ये हमारी सिलाई वाली भाग है, इसे नीचे की ओर रखेंगे इस तरीके से। और इस तरीके से हमें सिलाई कर लेना है। ये हमने इस तरीके से रिबन सेट कर लिए हैं। ठीक इसी तरीके से दूसरे पल्ले में भी हम रिबन सेट कर लेंगे। ये हमने इस तरीके से दोनों पल्ले में रिबन सेट कर लिए हैं। ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा गांठ लगने के बाद इस तरीके से। इसमें हम हुक लगा लेंगे इस तरीके से। ये हमारा बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा डिज़ाइन बन चुका है। ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो चुका है। हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। और डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के नए नए ब्लाउज के डिज़ाइन आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।